छुपा छिपी का खेल अब आखिरकार हुआ खत्म। 5 लाख रिश्वत मामले में 25 दिन से फरार चल रही मनी माजरा चंडीगढ़ की पूर्व SHO इंस्पेक्टर जसविंदर कौर सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। सोलन में BBN क्षेत्र में 26 जुलाई अर्धरात्रि से 28 जुलाई प्रातः 6 बजे तक लगेगा पूर्ण कर्फ्यू। पंजाब सरकार ने 10 जिलों में खोले कोविड केयर सेंटर। 60 साल से कम उम्र के हल्के या बिना लक्षणों वाले मामलों की जाएगी देखभाल। पंजाब में निवेश बढ़ाने के लिए कैप्टन सरकार का बड़ा ऐलान। अब ऐसे मिलेंगे पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी PPCB की मंजूरी। भूमि पूजन की तैयारी देखने अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में की पूजा। उत्तर बिहार के दरभंगा में उफान पर बागमती नदी, डूबने की कगार पर हायाघाट का रेलवे पुल। करनाल वासियों को CM ने दी सौगात। 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। हिसार में शादी समारोह में पहुंचे 80 लोग हो गए कोरोना पॉजिटिव और प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। 5 लाख रुपए के रिश्वत मामले में फरार चल रही मनीमाजरा थाने की पूर्व SHO इंस्पेक्टर जसविंदर कौर ने शनिवार को चंडीगढ़ जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। जसविंदर कौर के खिलाफ पिछले महीने 30 जून को CBI ने मोहाली के गुरदीप सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। सोलन के बद्दी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते DC सोलन KC चमन ने जिला के बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र, जिसमें क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतें तथा नालागढ़ एवं बद्दी नगर परिषद में पूर्ण कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। DC द्वारा घोषित आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में 26 जुलाई की आधी रात से 28 जुलाई की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। इन आदेशों के अनुसार BBN क्षेत्र में सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक निगम, बैंक, वाणिज्य गतिविधियां तथा औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। BBN में कोरोना के मामले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से आए हैं। जो पहला कॉन्टैक्ट रिगले का था, उसके बाद एक सारा टेक्सटाइल के थे, उनके जो इन्फेक्टेड जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो है अभी सारा टेक्सटाइल के लगभग 55 पे हैं और रिगले के लगभग 155 के केसेस इसमें आ गए हैं। तो लगभग ये जो आगे जो कंटेमिनेशन इस वायरस का हो रहा है, संडोरी में है, कई जगह हैं और वहाँ पे बेताशा मूवमेंट है और वायरस एक्टिवली आगे बढ़ रहा है, तो इसको कंटेन करने के लिए और वहाँ पे एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और वो सारा लगवा के लोगों के मूवमेंट को रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी था यहाँ पे एक 48 घंटे का लॉकडाउन किया जाए। तो इसके तहत हमने लॉकडाउन का आदेश दिया, जिसके तहत पूरे उद्योग वगैरह बंद रहेंगे, सारी एक्टिविटी, सारे प्रकार के जितने ये हो गए और असेंशियल नॉन से सारे बंद रख दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा उद्योगों को कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है। इनमें बिना निरीक्षण के कानूनी मंजूरियों की मियाद बढ़ाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री के आदेश पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी 184वीं बैठक में इस संबंध में विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। दर्शन के बाद CM योगी राम मंदिर परिसर में भी जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल में करीब 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिनमें 28 करोड़ 30 लाख 56 हजार रुपए के 3 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा करीब 13 करोड़ 47 लाख 48 हजार रुपए के 7 विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है। अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताज़ा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश TV। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।